हेलो हेलो दोस्तों नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे हम सभी ठीक हैं तो अभी देखिए मॉर्निंग के जो है तो आठ साढ़े आठ का टाइम है क्योंकि ना झाड़ू झाड़ू तो मेरी लग गई थी इसके बाद जो है तो मैं अभी पहुँचा कर रही हूँ आज संडे है दिन तो इस वजह से थोड़ा हम सो सोकर के लेट ही उठे हैं तो यहाँ पर जो है तो अंश आकृति अपना मोबाइल चला रहे हैं क्योंकि ना आज इनको स्कूल तो जाना नहीं है और कोचिंग मतलब जो है तो कोचिंग शाम से है इस वजह से ये दोनों जो है तो अभी मोबाइल देख रहे हैं थोड़ा सा आज थोड़ा टाइम है क्योंकि ना डेली तो स्कूल जाते हैं तो इस वजह से तो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं और मैं अपना मोबाइल से जो है तो वीडियो बनाती हूँ एडिट करती हूँ सभी लो, लोगों के वीडियो देखती हूँ तो इस वजह से इनको मेरा मोबाइल नहीं ज़्यादा मिल पाता है तो अपने पापा का ही चलाते रहते हैं और अभी जो है तो मैं यहाँ पर पहुँचा कर देती हूँ क्योंकि ना अभी जो है तो टाइम साढ़े आठ का हो गया होगा तो इधर मैं पूछा कर रही हूँ क्या है ना कि बारिश का मौसम है तो पोछा जल्दी सूखता नहीं है और अभी क्या है लाइट है तो फिर मैं इधर पोछा कर दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा क्योंकि ना यहाँ से चलना फिरना ज़्यादा लगा रहता है और बच्चे तो अपना एक जगह बैठ भी जाते हैं पर इनका क्या है ना कि दुकान का दुकान की चीज़ें ज़्यादा लगती हैं जैसे फ्रिज में पाउच है पेप्सी वगैरह रखी रहती हैं तो आना जाना इनका ज़्यादा लगा रहता है तो फिर जैसे गीला है पोछा सूख नहीं पाता ना तो पैर बन जाते हैं इस वजह से और आज डेट है अट्ठाईस जुलाई दिन था संडे तो बस मैं वही बता रही थी इसके बाद सब जगह मैंने पोछा कर दिया था कमरा बचा हुआ था तो बस यहाँ पर पोछा कर दे रही हूँ और आप लोग कमरे पे मत जाना क्योंकि ना आप लोगों को थोड़ा बिखरा बिखरा दिख रहा होगा तो क्या है ना कि मैं इसको ना सोच रही हूँ किसी दिन सफ़ाई कर दूँ यहाँ की तो थोड़ा सामान भी सही से सेट हो जाएगा और अभी जो है तो ऐसा काफ़ी किताबें वगैरह होती हैं जो तकिया वगैरह ये तो बच्चे हैं मतलब कितना भी तुम सजो के रखो घर को लेकिन बच्चे होते हैं जिस घर में थोड़ा बहुत तो सामान बिखरा ही मिलेगा है ना चाहे जितना भी कर दो साफ़ सफाई लेकिन बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत बिखरा ही होता है सामान बच्चे यहाँ से वहाँ कर देते हैं तो अभी जो है तो थोड़ा सा सामान बेड शीट वगैरह ठीक कर दिए इसके बाद जो है तो पूछा कर दे रही हूँ और पहुँचा करने के बाद ना मुझे तुरंत नहाना है बर्तन वगैरह ना मैं रात को ही करके छोड़ देती हूँ बस सुबह झाड़ू लगाई पोछा किया इसके बाद नहा लिया तो नहा कर मिलती हूँ आप सभी से अभी जो है तो मैं नहा कर आ गई हूँ और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है चार पाँच साल तो हो गए इसे मैं ज़्यादा ना इसे पहनती नहीं हूँ इस वजह से और थोड़ा मोटी है तो गर्मियों में पहनने लायक नहीं वैसे तो है तो की पर थोड़ा अलग कपड़ा है इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं पहनती पर कभी कभार जब मेरा मन हो जाता है तो पहन लेती हूँ आज न, आज ना मैंने सर धुल कर नहाया था क्योंकि ना संडे था तो फिर मैंने कहा चलो सर धुल लेते हैं और अभी जो है तो नहा कर के मतलब बालों में क्लेचर लगा लिया है थोड़ा थोड़ा सा तौलिए से पूछ लिए थे बाल ताकि जो है तो उनका पानी ना निकले तो क्या होता ना कि बारिश का मौसम है और पानी गिरे कपड़ों पे तो फिर बहुत अजीब सा लगता है ना तो अभी जो है तो मैं कर लेती हूँ पूजा और पूजा करने के बाद फिर बनेगा हमारा खाना आज तो मेरी ना चाय तक नहीं बनी है तो चाय भी बनेगी पहले क्योंकि ना आंसर जो है तो दूध लेकर रख दिया बोल रहा था मम्मी जो है तो चाय बनाना तो अभी क्या है ना कि भगवान जी के इधर मैं दीपक जला देती हूँ और भगवान जी ना मैंने यहीं पर रखे हैं अपने अंदर कमरे पे बाहर रखने की जगह नहीं थी तो फिर मैंने यहीं पर इनकी जगह बना दी है आप सब बताना कि मेरा यहाँ पर मंदिर बनाना सही है क्योंकि ना जगह नहीं थी और कैसा लग रहा है मेरा मंदिर आप लोग एक बार बताइएगा जरूर कमेंट में आज ना मैंने काफी दिन बाद पूजा की है और भगवान जी के मतलब आरती दिखा देती हूँ इसके बाद हाथ जोड़ करके के फिर जाऊँगी चाय बनाने के लिए और अनशा बोल रहा था मम्मी मैं, मैं चाय बना रहा था बना रहा हूँ तो मैंने कहा ठीक है बना लो वो वैसे भी बना लेता है अब थोड़ा बड़ा हो चुका है हेलो हेलो दोस्तों नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे हम सभी ठीक हैं तो आज है संडे और डेट है अट्ठाईस जुलाई तो मैंने नहा लिया है पूजा हो गई है मेरी और अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए आज ना पनीर बनने वाला है क्योंकि ना कल से बच्चे बोल रहे थे मम्मी पनीर बनाओ पनीर बनाओ तो फिर ये पनीर लेकर आए हैं तो आज बनाऊंगी पनीर अभी ना जो है तो टाइम नौ साढ़े नौ का हो गया है और चाय भी नहीं मैंने बनाई क्योंकि ना हम लोग ना सोकर आठ बजे उठे थे आज बच्चों की छुट्टी थी तो फिर थोड़ा हम ज़्यादा सो लिए हैं आज तो तो यहाँ देखिए अंश लगा हुआ है चाय बनाने में और मैं भी आ गई थी तो मैंने देखा कि कितनी चाय बनी है तो अंश ने जो है तो चाय तीन कप के लगभग बनाई थी तीन कप के और मैं ये भी देख रही थी कि पनीर कितना ये लेकर आए हैं तो उसी हिसाब से मस, मसाला जो है तो मैं पीस लूँगी सिल में बन रही अंश की चाय और यहाँ पर ये लेकर आए पनीर तो मैं इसे निकाल लेती हूँ पहले तोड़ी तोड़ी खाती चाय तो अंश बहुत ज़्यादा अच्छी बनाता है पर देखिए कितनी मतलब लगन से मतलब कोई काम करता है तो बहुत हिसाब से करता है कोई काम गड़बड़ नहीं हो सकता इतना तो है इधर जो है तो मैं अपना पनीर काट ले रही हूँ तब तक इसकी चाय बन रही है पनीर वनीर काट के रख देती हूँ इसके बाद जो है तो फिर चाय पियेंगे अभी क्या है ना कि ये आराम से पका रहा है धीमी आज जाए बोलता है जितनी देर तक चाय पकती है उतनी ही अच्छी बनती है यहाँ पर मैंने पनीर को काट कर रख दिया है थोड़ा सा लहसुन प्याज वग़ैरह भी छील कर रख दूंगी और ये लोग ना सबसे ज़्यादा कच्चा पनीर खाते हैं दोनों बच्चे मेरे और बना बहुत कम खाते हैं जो सब्ज़ी में डालकर बनाते हैं वो नहीं खाते हैं सब्ज़ी में सूखा पनीर ज़्यादा खाते हैं तो फिर मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि ना ये सब्ज़ी वाला नहीं खाते हैं खा लेते हैं तो मैंने कहा ठीक है वैसे नहीं खाते तो ऐसे ही खा लो पेट में जाना चाहिए और हेल्दी होता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो है तो प्याज को मैंने छील लिया है लहसुन वगैरह छील लिया है और अभी जो है तो गैस को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि ना चाय पक चुकी है और चाय ना आधा आधा कप ही मिली थी सभी को क्योंकि ना मैंने बताया था चाय एक कप कम है तीन कप ही बनी थी आकृति ने जो है तो ब्रश नहीं किया था और इसे जो कहो ना तो ये ब्रश नहीं करती है अपने मन से ऐसे ही खा लेती है बिना ब्रश किए और ये ना अब सात साल की हो चुकी है तो इसे जब मैं डेली कहती हूँ तभी मतलब रोज़ इससे कहो कि ब्रश कर लो ब्रश कर लो तभी ये करती है नहीं फिर अगर इस पर ध्यान ना दो ना तो ये बिना ब्रश किए ही खा लेती है इधर जो है तो मैंने पनीर को ढक दिया है क्योंकि ना हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए और आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय पीने के लिए और अंश लेकर आया था टोस्ट तो टोस्ट भी खोल लिए हैं खाली चाय नहीं अच्छी लगती है थोड़ा बहुत चाय के साथ में होना चाहिए या फिर मटरी हो नमक पारे या फिर नमकीन हो बिस्किट हो या फिर जो है तो टोस्ट वगैरह ब्रेड तो यहाँ पर टोस्ट ले लिए हैं और इनको भिजवा दी है चाय हमने और अभी जो है तो हम लोग भी पी रहे हैं चाय इधर मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठना क्योंकि ना ये वाला पंखा इतनी ठंडी हवा देता है बरामदा खुला है ना इधर का तो हम लोग ना ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं उठते हैं लेटते भी यहीं पर हैं रात में बस कमरे का ही यूज होता है हमारे तो अभी यहाँ पर हम लोग चाय पी लें इसके बाद फिर मैं जाकर खाना बनाऊंगी एक बात तो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब हम लोग चाय पीते हैं तो अम्मा जी क्यों नहीं पीती पीती हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अम्मा जी को चक्कर आने लगते हैं चाय पीने से तो फिर अम्मा जी चाय नहीं पीती हैं खाना वाना खा लेती हैं बस बट चाय नहीं पीती ना पोहा खाती हैं तो यहाँ पर जो है तो मैं चावल धुल कर ले आई थी और लाइट नहीं है लाइट वाली केबल लग रही है मोटी वाली जो काली वाली होती है पहले तार लगे हुए थे तो तार से क्या होता है ना कि लोग कटिया फंसा लेते हैं पर ये केबल लग जाएगी ना तो इस वजह से फिर कटिया नहीं लोग फंसा पाएंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास से तार निकले होते हैं ना वो कनेक्शन कम और कटिया ज़्यादा मतलब फंसते हैं तो इधर जो है तो मैंने मसाले पीस लिए हैं चावल उधर पक रहे हैं मसालों में मैंने खड़ी धनिया खड़ी लाल मिर्ची हल्दी और सौंफ जीरा लहसुन प्याज सारी चीज़ें पीस ली हैं और अब मैं बनाऊंगी सब्जी सो बनेगी बहुत अच्छी सी टेस्टी टेस्टी सब्जी ये क्या होता है ना कि देखो हम अगर पिसा मसाला डालते हैं जो पिसा हुआ दुकान का होता है उसमें प्याज ज़्यादा डालनी पड़ती है और खड़े मसाले हम जो पीसते हैं उनमें प्याज का ज़्यादा यूज नहीं होता है नहीं सब्ज़ी मीठी मीठी लगने लगती है ज़्यादा प्याज डालो तो इधर मैं मसाले पीस कर आ गई थी तो फिर तेल गरम हो गया लहसुन डाली हींग डाला और तेज़ पत्ता डाल दिया है एक इसके बाद जो है तो मैं सारे मसाले डाल दूँगी सारे क्या जितने पीसे हुए हैं वही डालूँगी और गरम मसाला बाद में पड़ेगा तो यहाँ पर जो है तो मैंने मसाले डाल दिए हैं और इतनी गर्मी में बॉयस उबर करना पड़ रहा है बिना पंखे के और इतना परेशान करती है करता ही वाला आफ जिससे मैं बॉयस उबर कर रही हूँ बार बार अब वॉइस जो है तो कट जा रही है और इस वजह से ना मुझे बार बार कट करके दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे ना एक घंटा लग जाता है तो इधर देखिए मसालों में नमक डाल दिया था और इन्हें अच्छे से भूनूंगी पाँच पाँच मिनट तक और इसके बाद जो है इसमें मटर डाल देंगे मटर को ना मैंने धुल लिया था आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर देखिए पके मसाले हो गए थे इसके बाद जो है तो मैंने मटर डाल दिया है मटर डालने के बाद दो तीन मिनट तक और पकाएंगे ताकि मटर भी मसालों के साथ में थोड़ा पक जाए इसके बाद जो है तो पनीर बनाऊंगी पनीर को डालूंगी सॉरी बहुत बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो को फुल वाच जरूर करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा पूरा इधर देखिए पनीर को डालने के बाद थोड़ा सा एक मिनट तक पनीर को मसाले में मिक्स किया इसके बाद जो है तो मैंने पानी डाल दिया है तो ग्रेवी थोड़ा थिक ही रहेगी ज़्यादा पतली नहीं करेंगे उस बार मैंने बनाया था पनीर तो एक बहन ने कमेंट किया था आप लोग इतना पनीर पतला खाते हो इतना फीका खाते हो और हमारे यहाँ तो बिल्कुल बहुत बहुत गाढ़ा बनता है पनीर पनीर फीसें फीस रहती हैं तो देखो बहन ऐसा है ना कि हम चावल के साथ में खाते हैं तो चावल के साथ में ग्रेवी लगती है पनीर बस तो खा नहीं सकते इस वजह से तो देखिए सब्जी बन गई थी यहाँ पराँठा लग गया था सो तो फिर दो या देखिए पूड़ी बना रही हूँ अभी बच्चे बोल रहे थे मम्मी पूड़ी बनाना तो इनके लिए और अपने लिए मैंने रोटियाँ बनाई थी और बच्चों के लिए पूड़ी बनाई है और गरम गरम पूड़ी तो मुझे भी अच्छी लगती है ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं खाती हूँ नहीं मैं तो खाती हूँ पर इनके लिए जो है तो रोटियाँ ही बनानी पड़ती हैं क्योंकि ना ये जैसे ज़्यादा तेल मसाला वाली सब्ज़ी होती है ना तो फिर ये पूड़ी नहीं खाते हैं रोटी ही खाते हैं तो इधर देखिए कितनी बढ़िया सी फूले फूले पूड़ी बन रही हैं और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए सब्जी चावल तो बन ही गए हैं और रोटियां भी मैंने बना दी हैं अब जो है तो पूड़ी सेक एक इसके बाद जो है तो खाना खाएंगे सभी लोग पूड़ियाँ तलने की वजह से देखिए कितनी कितना ज़्यादा धुआं धुआं सा है ना तेल की वजह से और ये ना स्टील की कढ़ाई है ना तो ये बहुत जल्दी गर्म होती है इसमें ना जो चीज़ बनाओ तो तुरंत के तुरंत बनाते जाओ इसमें गैफ़ ना करो अगर थोड़ी देर देर के लिए चढ़ा दी ना इसे तो पूरी जल जाएगी पूरा तेल भी जल जाता है तो साथ के साथ मैंने पहले से ही पूड़ियाँ बना कर रखी थी बेल करके फिर मैं इसके बाद तल रही हूँ खाना ना बन गया था इसके बाद ये कपड़े थे बादल जैसे तो हो ही रहे थे तो मैंने कहा चलो इन्हें फैला देती हूँ जितने हैं दो चार नहीं फिर ये सूखेंगे नहीं और बारिश का कोई पता नहीं रहता कब बारिश हो जाए और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है कल ना मैंने अपने पैरों पे ना कलर लगाया था मेरा मन था मैंने सभी को देखा कि सभी लोग कलर लगा कर घूम रहे हैं सावन है तो फिर मैंने भी अपने पैरों पे कलर लगाया अच्छा लगता है जब मतलब कलर लगाते लगा लेते हैं तो पैर अच्छे लगने लगते हैं ना तो यहाँ पर कपड़े मैं फैलाती जा रही हूँ और कपड़े जो है तो हवा की वजह से गिर भी जा रहे हैं फिर मैंने दोबारा से उठा कर टाँगे एक दो कपड़े गिर गए थे जो छोटे थे और यहाँ का वीडियो जो है तो अंदर सूट कर रहा है छत का और ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है मैं इधर देखिए ये डॉगी घूम रहा है छत पर इन्हीं का डॉगी है जिनका घर बन रहा है अभी और अभी जा रही हूँ नीचे ये कल मैंने कपड़े सुखाए थे तो इधर ही टांग दिए थे क्योंकि ना कल भी पानी जैसा बरसने के लिए मौसम हो गया था पर बारिश ज़्यादा हुई नहीं थी और अभी ये अपने लिए खाना ले कर गए हैं तो ये ना थाली में ही सब्जी डालकर खाते हैं आप लोग बोलते हो ना कई एक दो बहनों ने मुझे बोला कि आप कटोरी में सब्जी लिया करिए नहीं बहन हमारी आदत है हम थाली में ही परोस कर खाते हैं उसी में एक साइड रोटियां रख लेते हैं और अब ना मैं इस वाली थाली का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर वीडियो बनाने के लिए बाकी तो हम वैसे ही खाते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया थोड़ा सा तो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए ये है आज का हमारा खाना तो दोस्तों जो है तो खाना वाना बन गया था इसके बाद जो है तो मैं सो रही थी तो आकृति लेकर आई थी आइसक्रीम सो तो आइसक्रीम खाई और लाइट सुबह दस बजे से नहीं है लाइट ना सुबह दस बजे से नहीं कट गई है क्योंकि ना लाइट वाली केबल लग रही है रोड पे तो इस वजह से लाइट नहीं रहती रात को आठ बजे तक आई थी ज़्यादा गर्मी है हाँ पर नहीं चल रही है और लाइट भी नहीं है और ये दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं मैंने अपनी ख़त्म कर दी है खा के और अंश को जाना है कोचिंग तो ये अपना काम कर रहा था पहले आइसक्रीम खा ले इसके बाद काम करेगा और मेरे ना बाल थोड़ा थोड़ा गीले थे इस वजह से मैंने छुट्टा कर लिए थे और मैं ना सो रही थी तो ये आइसक्रीम लेकर आई थी तो मैंने फिर खाई ये है रात का टाइम है साढ़े नौ या दस का टाइम था मैंने टाइम नहीं देखा तो मैं आपको अंदाज से बता रही हूँ इधर मैं लगा रही हूँ बिस्तर क्योंकि ना बच्चों को सोना है अंश को नींद आ रही थी और आकृति तो दाई के साथ लेटती है अंश मेरे साथ लेटता है तो ये यहाँ पर जो है तो मैंने इसके लिए बिस्तर लगा दिया है तो ये अपना सो जाएगा और मेरा जो है तो बर्तन पड़े हैं अभी और किचन को थोड़ा साफ़ करना है इस वजह से मैं अभी काम करके ही लेटूँगी तो यहाँ पर किचन को क्लीन कर दिया है और इसके बाद जो है तो बर्तन धोने जा रही हूँ तो दोस्तों काम वाम मेरा सारा कुछ हो गया है सभी लोग सो गए ये नहीं सोए मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि ना ये अपना फ्रिज में पावजा पावज लगा रहे हैं पैप्सी वगैरह और मैं सारा काम निपटा करके अभी आई हूँ टाइम जो तो है तो साढ़े ग्यारह बज चुके हैं वैसे काम तो मेरा काफ़ी मतलब पहले हो गया था पर मैं नहाया आया थोड़ा सा ऐसे मोबाइल देखा तो इस वजह से थोड़ा टाइम हो गया है तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को फुल वॉच करिए और कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय गुड नाइट अपना ध्यान रखें बाय केयर